आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पर कैसा होता है गाइस, जो डिलीवरी डेट होती है वो गाइस यहाँ पर आपको दिखाई देती है। तो आप डिलीवरी डेट कैसे चेंज कर सकते हैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए, अगर गाइस आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको फ्लिपकार्ट में मैं ऑर्डर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ऑर्डर यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर शिप हुआ या नहीं बताएगा और यहाँ पर डिलीवरी डेट दिखाई देगी। तो इसे चेंज करने के लिए आपसे सिंपली क्या करना होगा, चेंज डेट इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गाइस ऑप्शन दिखाई देगा, चेंज डिलीवरी डेट, चेंजिंग डिलीवरी ऑफ दिस आइटम विल आल्सो रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स बिकॉज दे आर शिप्ड टुगेदर, ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर आपको चेंज के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप चेंज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी डिलीवरी डेट है इसके आगे के यहाँ पर डेट दिखाई देंगे, इसके पीछे की डेट दिखाई नहीं देगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे ही दिखाई देंगे डेट्स। तो यहाँ पर 15 की डिलीवरी डेट है तो यहाँ पर 16, 17, 18 यहाँ पर बताएगा। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है कर सकते हैं। अगर आप सैटरडे को नहीं रहते तो संडे को कर लेना है, संडे को नहीं रहते तो मंडे को कर लेना है गाइस। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, सैटरडे के ऊपर क्लिक करके आपको सबमिट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग दिखाई देगा, प्रोसेसिंग हो जाने के बाद यहाँ पर आपकी जो डिलीवरी डेट है वो चेंज हो जाएगी। ऐसा करके आप चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू वेरी मच।